दोस्तों, आपने पक्षियों या फिर जानवरों के खतरनाक से खतरनाक अटैक तो देखे ही होंगे, लेकिन हम आज आपको ऐसे अटैक दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इस पक्षी का घातक होने का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये इतना खतरनाक होगा कि इनको खतरनाक बनाती हैं इनकी लंबी टांगें। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति ने इसे लंबी टांगों से नवाजा है, जिससे यह बड़े से बड़े जानवर पर हमला करने से नहीं चूकता है। अब ये दो पक्षी एक खरगोश पर धाक लगाए बैठे हैं, जो धीरे धीरे से खरगोश के पास जा रहे हैं ताकि खरगोश को कानो कान खबर ना हो। बेचारा खरगोश तो आराम से अपना भोजन कर रहा था, लेकिन खरगोश को क्या पता था कि उसकी मौत उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है, और मौका पाकर दोनों पक्षी उसके समीप जाकर उस पर अटैक कर देते हैं। खरगोश ने उनके चंगुल से छूटने की बहुत कोशिश की और वर्चस्व की जंग छिड़ गई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्चस्व की जंग में जीत तो उन दोनों पक्षियों की होनी थी, और वह कामयाब भी हो जाते हैं और खरगोश को मौत के घाट उतार देते हैं। इन पक्षियों का आतंक यूं ही नहीं ठहरता। अब ये पक्षी अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा है। इसको एक अचानक स्नेक दिखाई देता है, लेकिन ये बिना कोई चूक किए उसे अपने ग्रिप से छूटने नहीं देता है और उसे अपना निवाला ही बना लेता है। इस बीहड़ में एक पेड़ पर ये पक्षी अपने घोंसलों में बैठे हैं। एक ओर ये सियार अपने जिंदगी का मजा ले रहा है, और ये सियार अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। लेकिन ये पक्षी भी अपने शिकार की तलाश के लिए तैयार हैं, और इस पक्षी की नज़र इस सियार पर पड़ती है, और ये पक्षी उस सियार पर तेजी से अटैक कर देता है, और इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक एक दूसरे का सामना करते रहते हैं। ये पक्षी अपने से 10 गुना बड़े एनिमल पर हमला करने से नहीं चूकता है। यूं तो ईगल आसमान का राजा कहा जाता है, जो अपने शिकार करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ईगल अपने शिकार के लिए निकलता है तो उसे जंगल में एक बंदरों का झुंड दिखाई देता है, और ईगल बहुत तेजी से अपने शिकार की ओर जाता है। उनमें से मंकी के एक बेबी को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जाता है, और उसे ले जाकर एक रोड पर खाना शुरू कर देता है। इस ईगल ने फिर से बंदरों के एक झुंड पर हमला करता है, लेकिन इस बार इसका बार खाली गया। इन बंदरों ने इस पर ही हमला कर दिया। अब यहाँ पर एक चीता इन बंदरों पर धाक लगाए बैठा है और उनकी ओर जा रहा है। जैसे ही चीता उनके नज़दीक आता है, बंदर चौंक जाते हैं और वह अपने बच्चों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन बंदरों को क्या पता था कि टाइगर दौड़ने के साथ साथ पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं, और वह एक बंदर के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है, और बंदर को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाती है, और ये बंदर पेड़ की उस डाली पर कूदता रहता है, और काफ़ी देर तक इनके बीच यही सिलसिला चलता रहता है। अब यहाँ तो इन बंदरों ने टाइगर को ही उल्टे पैर दौड़ा दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।